कटनी जिले की रीठी जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कठौतिया पंचायत के पूर्व सरपंच पति रामचरण पटेल ने 6 अगस्त को जनपद पंचायत रीठी के अधिकारियों तथा सब इंजीनियर रोहित हल्दकार की भ्रष्ट नीतियों का आरोप लगाते हुए 7 दिनों में समस्या का निराकरण न होने पर 15 अगस्त को सुबह 10 बजे ध्वजारोहण उपरांत जनपद मुख्यालय रीठी में आत्मदाह कर आजादी का त्योहार मनाने को विवश होने का ज्ञापन दिया गया था, जिसमें इस आत्मघाती कदम उठाने का जिम्मेदार भ्रष्ट जनपद व्यवस्था पदाधिकारी व सब इंजीनियर रोहित हल्दकार एवं गुमराह करने वाले सचिव सीताराम पटेल और दिनेश पटेल को ठहराया है। गौरतलब ये है कि कठौतिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सियाबाई रामचरण पटेल के कार्यकाल में वर्ष 2017 ग्राम भदनपुर में निर्मित कराए गए मुक्तिधाम पर खर्च हुई राशि का भुगतान आज तक नहीं हो पाया, जिसकी जानकारी पूर्व सरपंच पति ने कई बार जनपद सीईओ से लेकर इंजीनियर तक से शिकायत की, लेकिन आज तक मामला का निराकरण नहीं हो पाया। शिकायतकर्ता ने इसके पूर्व 24 जुलाई को भी जनपद सीईओ प्रदीप सिंह को ज्ञापन दिया था। बार बार आवेदन देने के बाद भी जनपद पंचायत के कानों में जूं तक नहीं रहेगी और आज ये नौबत आ गई है कि पीड़ित शिकायतकर्ता आत्मदाह करने को विवश हो गया। अधिकारियों की भ्रष्टाचारी को देखकर लगता है कि जब एक पूर्व सरपंच अपना भुगतान पाने के लिए आत्मदाह कर रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आम नागरिक की क्या दुर्दशा होती होगी। रीठी संवाददाता हरिशंकर बेन की खास रिपोर्ट। इंजीनियर साहब ये करते हैं, वो ही कहा है। क्या नाम इंजीनियर का? रोहित हल्दकार। तो आपने रोहित हल्दकार जी से बात करी? बात की, फोन से बात की, दो चार बार, एक बार यहीं भी आई तो भी कुछ सुनता ही नहीं है। सहमत है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, वो लोग परेशान है, पूरा परिवार से है, खेती बाड़ी से, पढ़ाई लिखाई से बाल बच्चे सब परेशान है उसके। तो आप इनका पैसा ना भुगतान करने के संबंध में आप किसको दोषी मानते हैं? वो तो जनपद के सभी अधिकारी कहलाए। मतलब इन्होंने जनपद में शिकायत की थी? दो चार बार किया इसने। हाँ, लेकिन आज तक कुछ निराकरण नहीं हुआ? कुछ निराकरण नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? साहब मैंने दो साल 2017 में मुक्ति धाम बनवाया, तो इसकी मजदूरी के विषय में परेशान करते मजदूर लोग, तो इसलिए मैं ब्लॉक में दो चार बार आवेदन लगाया, कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए मैं आत्महत्या करूंगा। साहब खेती पाती की समस्या है, सब पैसा नहीं है, लड़का पढ़ाई की समस्या है। तो उस समय आप सरपंच थे जब मतलब आपने मुक्ति धाम बनाया हुआ है? हाँ, हमारी पत्नी थी सरपंच सर। जी, तो क्या नाम है पत्नी का? सियावाई। कितनी मजदूरी बाकी है कुछ मजदूरों की? मजदूरों की मजदूरी है 2-4 हजार मजदूरी हुई कुछ है, वो कहा है गिट्टी मटेरियल का, गिट्टी रेता वाला, और ये कुछ ये है लोहा वाला। तो अभी लोगों ने आपने मजदूरों की मजदूरी नहीं दी है? नहीं दी है सर। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने जनपद में करी? जनपद में करे हूँ और जन सुनवाई में करे हूँ, जनपद में 3 बार करे। तो जनपद वाले क्या कहते हैं आपसे? ये वो ही कहते हैं कि मिल जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपने निश्चित कर लिया कि आप 15 अगस्त के दिन ही मतलब आत्महत्या करेंगे? हाँ करूँगा सर, मैं तो आत्महत्या करूंगा 10 बजे जाके 15 अगस्त। और इसकी जानकारी आपने पुलिस विभाग में दी? नहीं, अभी तो नहीं दी। क्या नाम है आपका? रामचरण। ये जो मामला आया है कठौतिया पंचायत का, मुक्तिधाम का जो पेमेंट का था, उसका इशू 2-3 सब इंजीनियर्स के बीच में फंसा हुआ था, एक सब इंजीनियर का इसमें ट्रांसफर भी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग दोनों एंट्रियों से कोऑर्डिनेट करके इसका पेमेंट करा रहे हैं, जैसे ही हवाल से पेमेंट ओपन होता है करा दिया था। तो सर जी, जैसे ही मतलब उन्होंने 6 तारीख को आवेदन दिया है आपको, तो उस संबंध में उन्होंने कहा दिया कि मैं 15 तारीख को मतलब आत्मदाह करूंगा, तो इसमें कुछ ऐसा है पेमेंट अभी मटेरियल का हो नहीं रहा है भोपाल से, तो जब तक पेमेंट नहीं हो रहा है तो हमें सबमिट कराने में असमर्थ हैं, बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं डॉक्यूमेंटेशन की वो पूरी करा ली जाएगी। ठीक है, और यदि सर उसके लेखनी अनुसार आत्मदाह कर दिया तो फिर क्या होगा सर जी? उसके उनके लिए अलग से कोई परमिशन कहाँ से आएगी पेमेंट की?
बाकी प्रोसेस की बात तो हम लोग अपने प्रोसेस कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको बता बुला के समझा दिया जाएगा, ठीक है सर जी। जब पेमेंट आएगा तभी पेमेंट हो पाएगा। और जो ज्ञापन आपको दिया गया सर जी उसकी जानकारी तो होगी सर जी, आप 15 अगस्त को आत्मदाह करने वाला उसे जनपद? मेरे को अभी तक नहीं थी, डाक में पड़ा हुआ था, 4 दिन छुट्टियां थी, है ना। आज मैं डाक में देख लूंगा, जो भी होगा प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। उसको बुला के समझा भी देंगे कि अभी पेमेंट ओपन नहीं हो रहा है।